हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। निम्बज में औरतों के भेष में 3 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जानकारी के अनुसार भुआल माताजी मंदिर के आसपास कृषि कुओं पर जाने वाले रास्ते पर इन 3 युवकों ने बच्चों को अपने पास बुलाया। जब बच्चे चिल्लाने लगे तो आसपास से लोग भाग कर आए और 3 युवक जो कि स्विफ्ट कार में थे, जिसका गाड़ी नंबर MMP09392 था, 2 युवक औरत के भेष में मौजूद थे। लोगों को अपनी तरफ आता देख 3 युवक गाड़ी सहित वहां से भाग निकले। मौजूद लोगों ने फोन पर ग्रामीणों को सूचना दी। बच्चा चोर गिरोह संदेश में निम्बज गांव की तरफ आ रहे, जिस पर ग्रामीणों ने नाकाबंदी कर गाड़ी रुकवाई, जिसमें 3 युवक थे। 2 युवक उसमें से महिलाओं के भेष में मौजूद थे। ग्रामीणों ने पूर्व सरपंच भवानी सिंह व मोहन सिंह को इत्तला दी, जिस पर उन्होंने एक दुकान में 3 को बैठाया। पूर्व सरपंच के पहुंचने के पहले ही वहां मौजूद आक्रोशित लोगों ने एक गाड़ी में तोड़फोड़ कर डाली और युवकों की पिटाई कर दी। इसके बाद पुलिस को इत्तला दी गई, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस 3 को थाना ले जाना चाहती थी, लेकिन वहां मौजूद भीड़ ने पुलिस के समक्ष मांग रखी कि जो भी पूछताछ की जाए ग्रामीणों के सामने की जाए। इस बात को लेकर ग्रामीण पुलिस की गाड़ी में बैठे युवकों पर पथराव किया गया। बड़ी मुश्किल से 3 युवकों को भीड़ से बचाकर पुलिस थाने ले गई। प्रारंभिक जांच में युवकों का यूपी निवासी, हाल दातियावाड़ा गुजरात का होना बताया गया है। साथ ही बताया गया है कि युवक बहरूपिये हैं और गांव-गांव मांग कर खाते हैं। जागरूक टीवी के लिए निम्बज से मुकेश प्रजापत की रिपोर्ट।